Hey guys, hi, what's up? मैं हूँ आपका होस्ट आलोक सिंह. फ्रेंड्स, अभी लॉकडाउन स्टार्ट हुए एक वीक होने को है. मैं बंद हूँ घर के अंदर पिछले 14 डेज से. एंड आज का वीडियो रहेगा जो आपका, वो मैं, आप अगर सोच रहे हो कि आपको मैं रिव्यू दिखाने वाला हूँ किसी कार का, तो आप गलत सोच रहे हो. आज कुछ इंटरेस्टिंग मैंने प्लान किया है. आपको मैं लेके चलूंगा अपनी गाड़ी के पास. आपको मैं दिखाता हूँ मैं गाड़ी के साथ क्या करने वाला हूँ. उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अभी बाहर घूम रहे हो तो घूमना प्लीज बंद कर दो. स्ट्रिक्टली फॉलो करो लॉकडाउन को, बिकॉज इंडिया को अपने को कोरोना फ्री बनाना है. अगर आप ग्रॉसरी वगैरह भी लेने जाते हो तो ट्राई करो अकेले जाओ, आप फैमिली मेम्बर्स को लेके मत जाओ. एंड ये आपको सेफ रखेगा, आपकी फैमिली को सेफ रखेगा. चलिए देखते हैं गाड़ी के साथ मैं क्या करता हूँ अभी. तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं अपनी गाड़ी की पार्किंग में. थोड़ा सा आपको वॉइस में चेंज लगेगा बिकॉज मैंने मुंह पे लगा रखा है मास्क. गाड़ी को पार्किंग में खड़े हुए भी अभी लगभग एक हफ्ता होने को है. सबसे पहले अपने को गाड़ी का कवर हटाना पड़ेगा. कवर हटा देते हैं. फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर जो भी आपको मैं टिप्स वगैरह दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा ये सारे टिप्स आपके पास कोई भी गाड़ी हो उसके लिए एप्लीकेबल हैं. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके पास अगर किया सेल्टोस होगी तो ही ये एप्लीकेबल है. कोई भी गाड़ी है, ध्यान रखिए कि आपको ये फॉलो करना है. सबसे पहले गाड़ी का कवर हम हटाते हैं. एक हफ्ता हो गया गाड़ी खड़े हुए, देखिए साफ पड़ी है बिकॉज कवर उड़ा दिया था मैंने गाड़ी को, तो काफ़ी हेल्प हो गई अपने को. काफ़ी बड़ा कवर है. बस एक डिसएडवांटेज है बड़ी गाड़ी लेने का कि आपको ये कवर उड़ाना और फोल्ड करना एक चैलेंज लगता है. लाइक इसका ये स्ट्रैप नीचे फंस गया है टायर के, हटा लेता हूँ उसको मैं. GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग. ये रहा आपका. गाड़ी को अनलॉक करते हैं हम लोग. तो फ्रेंड्स, हम बैठ चुके हैं अपनी गाड़ी के अंदर. गाड़ी को मैं आपको लेकर आया हूँ दिखाने के लिए कि मैंने गाड़ी को पहली चीज तो स्टार्ट किया. इसका पहले सॉन्ग बंद करता हूँ मैं, बिकॉज आपको मैं सुनाऊंगा नो कॉपीराइट म्यूजिक, बिकॉज नो कॉपीराइट म्यूजिक इज बेस्ट थिंग. कॉपीराइट म्यूजिक प्ले करेंगे तो फिर इसमें लग जाएगा अपने को 20 बाय यूट्यूब. तो ये आपका नो कॉपीराइट म्यूजिक है. ठीक है फ्रेंड्स, गाड़ी को स्टार्ट कर दिया हमने. थोड़ी देर भी स्टार्ट रखेंगे. एक्सीलेटर दे रहा हूँ मैं गाड़ी को. काफ़ी टाइम से खड़ी थी तो स्टार्ट करना गाड़ी को ज़रूरी था. इसकी बैटरी वरना डिस्चार्ज हो जाती. इसके अलावा अपने को ऑटोमोबाइल मेकर्स रिकमेंड करते हैं कि गाड़ी अगर काफ़ी टाइम से खड़ी है आपकी तो आपको गाड़ी को थोड़ा सा चलाना चाहिए. तो इसको हम लोग चला भी लेते हैं. चलाना मतलब मैं सोसाइटी के बाहर लेके नहीं जा रहा इसको गाड़ी को, बस थोड़ा सा इसको फ्रंट में चलाऊंगा और बैक में चलाऊंगा ताकि इसमें कुछ फ्लैट बॉटम टायर वगैरह का इशू ना आए. आपको होता क्या है, अगर आपकी गाड़ी काफ़ी टाइम से पार्किंग में खड़ी है और वो आगे पीछे नहीं हो रही तो टायर्स जो हैं आपके वो बॉटम साइड से फ्लैट हो जाते हैं, गांठें टाइप की पड़ जाती हैं आपके टायर में, बिकॉज वो गाड़ी मूव नहीं हुई. अगर आपकी कार में एयर वगैरह है तो फिर वो नीचे पूरा प्रेशर पड़ता है गाड़ी के वेट का और वो गांठें टाइप की पड़ती हैं टायर के अंदर. और उससे होता क्या है कि आप जब गाड़ी को चलाओगे तो आपको वो गाड़ी ज़्यादा बबलिंग करती है, जंप ज़्यादा करती है रोड पे. इसलिए चलाना ज़रूरी था. मैंने गाड़ी को थोड़ा सा चला लिया. आई थिंक कितना चलाना काफ़ी है, तब भी एक लास्ट राउंड में आगे पीछे कर लेता हूँ गाड़ी का और फिर मैं गाड़ी को दोबारा बैक लेके जाऊँगा. और इसमें गाड़ी के अंदर इसमें मैं
कवर वगैरह उड़ा दूंगा। एक इसमें आपके लिए सजेशन और है मेरा कि रुकिए पहले हम गाड़ी को पार्क करते हैं। ये अच्छा है कि हाँ इसके फुल स्क्रीन पे ही अपना कैमरा वगैरह आ जाता है तो गाड़ी पार्क करने में इतनी दिक्कत नहीं आती। ये देखिए हवा की वजह से कवर काफी उड़ के आगे आ चुका है, पहले कवर को हटाते हैं। ये कवर आप देख रहे हो उड़ के पूरा आगे आ गया, कवर को हमने कोने में कर दिया। अभी हम गाड़ी को दोबारा पार्किंग में पार्क करते हैं। गाड़ी को सीधा करना पड़ेगा, मैं हमेशा गाड़ी को बैक करके लगाता हूँ ताकि निकालने के टाइम पे एक बार में गाड़ी निकल जाए। बाकी इसमें एक और पॉइंट है, मुझे किसी ने बोला उसकी बात मेरे को अच्छी लगी, आप इसको अंधविश्वास मत मानिएगा, बट मुझे किसी ने बोला था कि गाड़ी को हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में खड़ा करना चाहिए। लाइक आप देख रहे हो बाकी गाड़ियाँ कैसे खड़ी हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए केवल मेरी गाड़ी का आ गया फ्रंट आगे की ओर है, बाकी सब गाड़ियों का उस ओर से है, तो इनको जब गाड़ी बाहर निकालनी होगी इनको बैक करके निकालनी पड़ेगी, मेरी सीधे निकलती है। इसके पीछे लॉजिक क्या है जो मुझे किसी ने बताया और मेरे को अच्छा लगा, ऑल दो मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ बट मेरे को सोच अच्छी लगी कि हम लोग जब कहीं जाते हैं तो हम लोग अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, हमेशा लाइफ में हमें आगे बढ़ना है, तो गाड़ी मेरी सीधे आगे बढ़ेगी, बैक नहीं जा रही। जब किसी काम के लिए मैं जाऊंगा गाड़ी को स्टार्ट करूंगा तो वो सीधे आगे बढ़ेगी पीछे जाने की जगह, जबकि बाकी गाड़ियों में क्या है आपको पहले बैक करनी है फिर आपको आगे बढ़ानी है, तो मुझे बैक नहीं जाना, फर्स्ट टाइम जब मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूं तो मुझे आगे बढ़ना है, इसलिए मैं गाड़ी को ऐसे खड़ा करता हूं ताकि निकालते ही एक बार में गाड़ी मेरी आगे बढ़े पीछे ना जाए। फ्रेंड्स एक चीज़ और, आप जब गाड़ी को लॉकडाउन के दौरान खड़ा करते हो तो ध्यान रखिएगा कभी भी हैंड ब्रेक को ऊपर नहीं रखना है, हैंड ब्रेक को फ्री कर दीजिए, बिकॉज होता क्या है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर गाड़ी में हैंड ब्रेक अप्लाई करके से खड़ा कर देते हो गाड़ी को तो होगा क्या, इसके जैम होने के इश्यूज आते हैं, ये जैम हो जाता है एंड आपकी गाड़ी का जो अलार्म सिस्टम है हैंड ब्रेक अप्लाई होने का वो लगातार बजेगा। तो अवॉइड एनी सच थिंग, आप इसको हमेशा नीचे रखिए। अगर आपने गाड़ी को लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए खड़ा किया है तो बेटर पार्क योर कार इन ब्रेक अप्लाइड मोड, गाड़ी को मैं आप ब्रेक अप्लाई सॉरी गियर अप्लाई कर दो, दैट इज़ गुड थिंग इन स्पाइट ऑफ यूजिंग दिस हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक आप यूज़ करोगे तो हैंड ब्रेक बेसिकली थोड़े बहुत 3-4 घंटे अगर आपने गाड़ी पार्क की है तो उसके लिए होता है, 8 घंटे के लिए पार्क किए तो उसके लिए होता है, बट अगर आपने गाड़ी को लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए खड़ा किया है तो इट इज़ रिकमेंडेड बाई ऑल द ऑटोमोबाइल मेकर्स कि आप गाड़ी में हमेशा गियर अप्लाई करो, गियर में खड़ा करो गाड़ी को, आइदर इट्स अ फॉरवर्ड गियर और बैक गियर एनीथिंग, हैंड ब्रेक को आप नीचे रिलीज कर दो ताकि ये जैम ना हो। चलिए बाहर चलते हैं गाड़ी में, मैं दोबारा एक बार कवर उड़ा देता हूँ। आप जब भी अपनी बड़ी गाड़ी को कोई पार्क करते हो कवर उड़ाना है, आपको अंदाज़ा नहीं मिल रहा कवर कैसे उड़ाना है, तो ध्यान रखिएगा हमेशा आपका जो ये ORVM का स्लॉट बना होता है उसको पकड़ लीजिए, ये आपका आगे होना चाहिए, बाकी का हिस्सा पूरा पीछे होना चाहिए। जब भी आपका आगे रहेगा तो आपको उड़ाने में दिक्कत नहीं आएगी। अब कुछ नहीं करना है, अपने को देखिए पीछे खींचना है लाइक ऐसे। ये देखिए ये आ गया, अब सीधे मैंने पहले ORVM में इसके कवर के हिस्से को फटा दिया ताकि बाकी कवर उड़ाने में दिक्कत ना आए अपने आप को। ये अब कवर उड़ाना हमारे लिए आसान है बिकॉज ORVM के स्लॉट में वो फंस चुका है, तो गाड़ी कहीं अभी जाने नहीं वाली अपनी। हवा की वजह से थोड़ा दिक्कत आ रही है बट ऐसी दिक्कत नहीं है कि हम उसको कवर ना पाए पूरा, ये हमारा कवर अभी होने ही वाला है। ये देखिए आसान है कवर को उड़ाना गाड़ी में बहुत, एंड आपको अगर चैलेंज लगता है तो आपको मैंने बता दिया, हमेशा ORVM के लिए जो जगह बनी हुई है कवर में उसको देख करके कवर को उड़ाया करिए। अब गाड़ी हमने स्टार्ट भी कर ली लॉकडाउन के दौरान, हमने गाड़ी को आगे पीछे भी कर लिया ताकि किसी भी तरह की गांठ वगैरह ना आए आपके टायर में खड़े होने की वजह से,
और हमने हैंड ब्रेक भी नीचे कर दिया, हमने गाड़ी को गियर में पार्क कर दिया है। ये अपना हो चुका है। अब लास्ट थिंग इसमें जो करनी बाकी रह गई है वो ये है कि कवर हमारा उड़ना नहीं चाहिए हवा में। इसके लिए इसमें जो स्ट्रैप दिया गया है, स्ट्रैप को हम लोग नीचे से फेंकेंगे उस ओर उधर, और वहाँ पे जाके स्ट्रैप को कस देंगे। चलते हैं दोस्त। ये हमने इसका लगा दिया है स्ट्रैप। वो अपनी गाड़ी फुल प्रूफ हो चुकी है, लॉकडाउन के लिए रेडी हो चुकी है। किया मैंने क्या आपको दोबारा बता देता हूँ, लॉकडाउन के दौरान अगर आपकी गाड़ी खड़ी है मोर देन 7 डेज तो आपको गाड़ी को स्टार्ट करके आगे पीछे करना है ताकि टायर्स में गांठ ना पड़े। अगर आपकी गाड़ी 3 दिन से ऊपर हो चुकी खड़ी हुई तो गाड़ी आपको स्टार्ट करनी है ताकि बैटरी ड्रेन ना हो। तीसरी चीज़, गाड़ी का कवर दोबारा आपको उड़ा देना है, इतना काम मैंने किया। एंड आपको गियर में गाड़ी खड़ी नहीं करनी है ताकि आपके हैंडब्रेक ख़राब ना हो। तो ये कुछ मैंने आज किया है। अब मैं जाऊँगा डेली के लिए वेजिटेबल्स लेने, बिकॉज घर के वेजिटेबल्स ख़त्म हो चुके एंड इट्स मोर देन 7 डेज नाउ। बाहर मैं गया भी नहीं हूँ ग्रॉसरी का आइटम्स लेने के लिए, तो भी लेना पड़ेगा वरना घर में सब्जी नहीं है मेरे। आखिरी में गाड़ी को हमने लॉक कर दिया। अब हमारी गाड़ी रेडी हो चुकी है लॉकडाउन के लिए। अब गाड़ी को दोबारा 3 दिन के बाद मैं दोबारा रिस्टार्ट करूँगा ताकि हमारी बैटरी ड्रेन ना हो। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी सोसाइटी का पार्क। यहाँ से मैं जा रहा हूँ ग्रॉसरी लेने के लिए। सोसाइटी के बाहर ही शॉप है, अकेला जा रहा हूँ मैं, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट एंड हम रिकमेंड नहीं करते आपको फैमिली मेम्बर्स को लेकर घूमने के लिए दौरान, बिकॉज अभी सी ग्रॉसरी परचेज करना ही समथिंग की वो मजबूरी है हमारी। बट आप फैमिली लेके जाओगे तो वो सही नहीं है, आप ही सारे काम अकेले कर सकते हो। चलिए चलते हैं। देखिए रोड पे कोई भी गाड़ी नहीं है, हर कोई स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है लॉकडाउन को। पूरी रोड एम्प्टी पड़ी हुई है। हम चल रहे हैं ग्रॉसरी लेने के लिए शॉप की तरफ। सो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ सब्जी की शॉप पे सब्जी लेने के लिए। फ्रेंड्स, ये हैं आपकी सब्जियाँ जो हम लेने जा रहे हैं। आपके यहाँ पे भी ख़त्म होगी तो आप लेने आ सकते हो हमारे पास। सो फ्रेंड्स, मैं वापस आ चुका हूँ सब्जी वगैरह खरीद कर घर के लिए। यही था आज का वीडियो आपके लिए, गाड़ी को कैसे मेंटेन रखना है लॉकडाउन के दौरान एंड कैसे सब्जी खरीदनी है। अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से यू एंड आई ऑटोमोबाइल्स के वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपको मैं ऐसे ही बेस्ट इन क्लास कार केयर टिप्स देता रहता हूँ। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।